नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पाल्मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि आपके जीवन में राहु ग्रह का क्या प्रभाव है और क्या फल देता है। हम जानते हैं जीवन में घटनाएं सबके जीवन में घटती हैं। कई बार महत्वपूर्ण घटनाएं घट जाती हैं, कई बार दुखद वाली घटनाएं घट जाती हैं। तो जीवन में इसी का सबसे ज्यादा असर माना जाता है। तो हमारे ज्योतिष में इसका बड़ा रहस्यमय विद्या माना जाता है। अगर ज्योतिष की बात देखें, हस्तरेखा की बात देखें, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जीवन में, मैलाफिक प्लैनेट इसको बोलते हैं, और ये कहीं ना कहीं छाया ग्रह के रूप में माना जाता है। इसका असर भी हमारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं ना कि जब राहु देने पे आए तो छप्पर फाड़ के देता है, जब लेने पे आए तो चमड़ी उधेड़ कर ले लेता है। और ये जीवन में घटनाओं को आकस्मिकता के रूप में दिखाता है, विच्छेद कराता है, कई बार आपको पाके खोने की चाहत रखता है। और इसी प्रकार से केतु जो होता है वो मोक्ष की तरफ जाता है, कहीं एक दे के ले लेता है तो कहीं एक देने के बाद खो देता है। ये जीवन में सबके घटनाएं घटती हैं। कहते हैं जीवन में जिसका राहु बलवान हो, जीवन में बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। कहते हैं ना, हॉलीवुड बॉलीवुड का एक स्टार बन जाता है, एक करोड़पति से करोड़पति बन जाता है। लेकिन यही राहु अगर आपके लाइफ में अच्छे प्रभाव दे रहा है तो इसकी स्थिति बनती है। लेकिन अगर ये राहु खराब हो तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे खड्डे में ऐसी बुरी आदतें डाल देगा कि जीवन में उठने का नाम नहीं लेने देता है। तो आइए देखते हैं अपने हाथों पर राहु का स्थान कहां पर है और कैसे प्रभाव देता है। क्या हमारी जीवन रेखा है? जीवन रेखा के साथ हमारी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा के साथ हमारी हृदय रेखा है, और ये हमारा जो क्षेत्र माना जाता है ये चंद्रमा का क्षेत्र है, और इसके साथ ही हमारा मंगल का क्षेत्र है, और ये वाला जो क्षेत्र है ये राहु का क्षेत्र है। राहु का क्षेत्र, जीवन में हम कई बार बड़ी मुसीबतों में फंसते हैं। जीवन में कई बार हमें ऐसा निराश से हाथ लगते हैं कि हमें उसका समाधान ही नहीं मिलता है, और कई बार हम ऐसे कष्टों में पड़ जाते हैं। और राहु रेखा जीवन में एक छाया ग्रह है, जीवन में सबके उतार चढ़ाव की स्थिति परिवर्तन करता है। लेकिन ये राहु का प्रकार तीन प्रकार का माना जाता है। जैसे ये फल देता है, अगर आपके हाथ में बिल्कुल बारीक लाइनें हैं, इसके आपके लाइफ में दो चार महीने का ऐसा देखने का आभास होगा, ऐसे दो चार महीनों का आपको जीवन में थोड़ी सी मन के अंदर की आत्मा को झकझोर के रख देता है। लेकिन यही रेखा मोटी हो, आपको उस वक्त की बात याद होगी जब आपके जीवन में वो घटनाएं घटी होंगी, या जीवन में उस वक्त आपके कुछ ना कुछ ऐसा विच्छेद हुआ है कि आपके दिल को आघात करता है। इसका असर आपको साल डेढ़ साल का समय मिलता है। लेकिन अगर यही रेखा बहुत सारी मोटी हो जाए, इसका देखा गया प्रभाव दो ढाई साल का होता है, और जीवन में ऐसी उठा पटक चलती है कि जीवन को उठाकर नीचे गिरा देता है। और ऐसे लोग जीवन में जिस काल में ये राहु का असर दिखेगा, उस काल में इंसान को कहीं ना कहीं बहुत गहराइयों में लेके जाएगा, बहुत नीचे गिरा देगा, मन के आवेग को तोड़ देता है। तो देखिए राहु का स्थान, ये राहु का स्थान माना जाता है। जैसे अभी हमने कहा बॉलीवुड हॉलीवुड का स्टार बन जाता है, अगर आप देखें यहां पर एक स्टार बन जाए, स्टार पर्वत के गुणों को मजबूत कर देता है। अगर जीवन में देखें तो अचानक आपको एनर्जी बूस्ट करेगा,
कई बार यहां से अगर एक भाग रेखा निकल के चली जाए शनि के माउंट पे, ऐसे जीवन में बड़ी तरक्कियां लोग करते हैं, और जीवन में एक बार नहीं कई बार तरक्कियां करते हैं, और कई बार अचानक से धन की प्राप्ति करते हैं। और यही फेट लाइन राहु रेखा की बात की है। राहु रेखा हमारे इस मंगल के क्षेत्र से चलती है, इस हमारे शुक्र के क्षेत्र से चलती है। ये मन की आत्मा को प्रेरित करती हैं, कष्ट में डालने का काम करती हैं। ये कब करती हैं? जब ये राहु रेखाएं हमारी लाइफ लाइन को काटेगी या लाइफ लाइन को टच करेगी, उस एज में हमारे जीवन में ये घटनाएं आपको आपके मन को विचलित कर देंगे। लेकिन यही राहु रेखाएं काट कर आगे की तरफ बढ़े, फेट लाइन को काटेगा, आपके कामकार की व्यवस्थाओं को रोक देगा, या आपके कामकाज को कह दो स्थिति को बिगाड़ देगा। जितनी मोटी रेखाएं होंगी, जैसे मैंने तीन प्रकार बताया है, उसी के अकॉर्डिंग इसका फल प्राप्त होगा इस जीवन में। अगर यही राहु रेखा इस शुक्र के क्षेत्र से चलकर मस्तिष्क रेखा को काट दे, आपके मन की स्थिति को बिगाड़ेगा, आपके मन को डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन यही राहु रेखा आपके हार्ट लाइन को आपको आघात पहुंचाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम दे सकता है, और कहीं ना कहीं मन से जहां पे आपको इसने घायल किया वहीं से दिल के ऊपर अटैक किया है, और जीवन के जिस काल में आपके जीवन रेखा को काटा है, जीवन के उस वर्ष में आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। अब यही राहु रेखा, ये विवाह रेखा है, अगर विवाह रेखा को भी ये काटती है, आपको स्त्री पक्ष से आपकी वाइफ से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा जीवन में, उस एज में आपको इतना बड़ा दर्द होगा, इतना बड़ा दुख मिलेगा कि आप जीवन में कहीं ना कहीं आपको महसूस होगा कि हम जीवन में खड्डे में गिर गए। उसकी वजह से मानसिक स्थिति आपकी खराब होगी। लेकिन यही रेखा अगर आपके सन रेखा को काटे, आपके नेम फेम में, आपके कामकाज में, आपके उत्साहित होने वाले कार्यों को, या देखें तो आपके जीवन में एक तरह का जो फेम मिल रहा था कहीं ना कहीं वो खड्डे में गिर जाएगा। और जब भी राहु रेखाओं का असर हमारी फेट लाइन पे पड़ेगा, फेट लाइन पे, ये राहु रेखाओं का असर फेट लाइन पे पड़ेगा, उसके उस काल के वक्त में आपके जीवन में काम धंधे का चौपट कर देगा, आपको नीचे गिरा देगा। ये मन की अवस्थाओं को कंट्रोल करने से पहले वो आपको कंट्रोल में ले लेता अपने, क्योंकि इसके अंदर ताकत है, तरंग है, वेग है। और यही स्थिति अगर आपकी फेट लाइन इसको टच करने के बाद आगे की तरफ बढ़ती है, तो इसका मतलब आपके जीवन में वो घटनाएं घटेंगी, लेकिन बहुत ज्यादा आपको वहां पर निराश होने नहीं देगी। आप जीवन में अपने प्रयासों के द्वारा या उपायों के द्वारा आप जीवन में बढ़ सकते हैं। राहु के उपाय करें, माँ दुर्गा के सभी का पाठ पढ़े, और कहीं ना कहीं गरीबों की सेवा करें, और कहीं ना कहीं उनको अन्न का दान करें, कहीं ना कहीं उनके खाने का इंतजाम करें, राहु ठीक हो जाता है। कहीं ना कहीं उनके विचारों को, किसी को ऐसे असहाय व्यक्ति को आप सेवा करें, और माँ दुर्गा की सप्ती का पाठ पढ़ें, तो जीवन में इन कष्टों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।